रही है। भगवान शिक्षा मंत्री को सद्बुद्धि दे स्वाहा। अभ्यर्थी अभी तक घर पर बैठकर खाली व्हाट्सएप और यूट्यूब देख रहे हैं उनको सद्बुद्धि दे स्वाहा। जो अभ्यर्थी अभी तक हमारे इस महाआंदोलन का हिस्सा नहीं बने हैं भगवान उनको सद्बुद्धि दे स्वाहा। बिल्कुल असर होगा। हर बार आंदोलन हुआ है, आंदोलन का यह हिस्सा है। आज के दौर में अगर आंदोलन शांतिपूर्ण करना है तो विभिन्न विभिन्न तरीके हैं जिसका हम लोग देख रेख करके और शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन करते हुए वो हवन कर रहे हैं। इससे कम से कम नीतीश कुमार शिक्षा मंत्री एंड जितने उसकी टीम है एनडीए गवर्नमेंट की, उसको सद्बुद्धि आ जाए, इसके लिए यह हवन किया जा रहा है। जब हवन होगा कहीं मार्गदर्शन उसको मिल जाए, आप लोग के माध्यम से यह खबर वहां पहुंच जाए और लग जाए कि जवान में जो भी नौजवान हैं वह सड़क पर अभ्यर्थी बैठे हैं, कम से कम उनके लिए कुछ कर दिया जाए तो बेहतर। कल के लिए क्यों नहीं हवन जरूरी है, हवन करके हम लोग उनका सद्बुद्धि भगवान दे, इसके लिए हम लोगों ने हवन किया है और हवन का हिस्सा भी बना हम लोग। अनिल कुमार राजापाकर वैशाली बिहार से हैं। इतने छात्रों का भविष्य अधर में लटका हुआ है। लगभग बिहार के लगभग 2 लाख के आसपास छात्र हैं, अभ्यर्थी हैं, जो कि ट्रेंड है और लंबे समय से बहाली का इंतजार कर रहे हैं। और कुछ ऐसे भी छात्र हैं जो सरकार की गलत नीतियों की वजह से छठे चरण से छूट गए हैं, वो इधर उधर भटके और उनकी बहाली नहीं हो पाई। यह सरकार की गलत नीति की वजह से वो एक इधर उधर के घूमने वाले जो है घूमकर अभ्यर्थी बना के जो है नीतीश कुमार छोड़ दिए हैं। वो गलत नीति की वजह से, गलत नियमावली की वजह से। इसीलिए हम सरकार से चाहते हैं कि वह एक सेंट्रलाइज बहाली करें, एक शिक्षक एक आवेदन के तर्ज पर वो बहाली लें। साथ में जो है वो काउंसलिंग का भी जो प्रक्रिया है उसको पारदर्शित रखे, ना कि उसको गुप्त रूप से रखे और टेबल के नीचे से पैसा लेने वाला काम रखे। टेबल से नीचे भी निकालने का काम होता है क्या? देखिए पहले होता था, लेकिन अगर अच्छे से बहाली करेंगे और ये अगर सेंट्रलाइज तरीका से या जो भी अच्छा प्रोसेस होता है, नया नियमावली कह रहे हैं वो अगर लाते हैं तो बेस्ट होगा। और सबसे मुख्य बातें ये है हम लोग का जो जल्द से जल्द विज्ञप्ति जा रही है, इसके लिए हम लोग यहाँ पे 30 दिन भी इस बार बैठना पड़ेगा ना, तो हम लोग बैठने के लिए तैयार हैं। असर होगा कहाँ से आए? जनता से, वैशाली जी जनता से। ओम श्री खंडम चंद्रम लेखम चंद्रम करते गृह था। चौथा दिन मधेपुरा का है, नैयर आलम नाम है अभ्यर्थी है। 2019 के दिसंबर में पास हम लोग, मात्र 14 दिन के लिए सर हम लोग को नहीं लिया गया था, मात्र 14 दिन। इसीलिए हम लोग सातवीं चयन के लिए बहाली के लिए मांग कर रहे हैं और तारीख पर तारीख बार बार डेट दिया जा रहा था जो अभी तक कुछ नहीं पूरा हो पा रहा था। लिख के दिए थे 25 जुलाई के बाद आप लोग का नोटिफिकेशन आएगा जो कि अभी तक नहीं आया। इसीलिए हम लोग 1 तारीख से महाआंदोलन के लिए तैयार है, जब तक नोटिफिकेशन ना आएगा हम लोग नहीं जाएंगे। समय बहुत ज़्यादा निकल गया है, हर महीने बार बार इनका आश्वासन आता है कि आप लोग अगले महीने छठा चरण समाप्त होगा, इसके बाद सातवां चरण की वैकेंसी होगी। ये लाइन सुनते सुनते 4 साल लगभग बीतने को है, 19 से हम लोग वेट करें, 19, 20, 21, 22, 4 साल लगभग हो चुका है, लेकिन अभी तक शिक्षा मंत्री न जाने क्या सोच रहे हैं, क्या उनका टारगेट है, क्या लक्ष्य है। इसी के लिए हम आज हम लोगों की टीम यहाँ पे, जितने भी हमारे आंदोलनकारी साथी हैं, हवन का कार्यक्रम किए हैं ताकि उनको सद्बुद्धि हो और उनको ज्ञान हो और उनका जो रवैया है वो बदले और ताकि हम सभी जितने भी बेरोजगार साथी हैं सबको रोजगार मिले। तमाम लेटेस्ट खबरों को सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें डिजिटल न्यूज 20।